हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो भाई मैं पहुंच गया उस वक्त ना, ये रहा ऊना का बस स्टैंड, ये वाला। ये है ऊना का बस स्टैंड जहां पे हर एरिया के लिए बस मिल जाती है, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लिए, हर कहीं के लिए बस जो है अवेलेबल होती है। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स जो आए थे पिछली बार भी, तो वो मैं फिर से लेके आऊँ नया ब्लॉग बनाने के लिए यहाँ का। तो मैं यहाँ का बस स्टैंड दिखाता हूँ आपको, जहाँ जो यहाँ यहाँ के लिए बस मिल जाती है। तो ये रहा ऊना का जो बस स्टैंड है, उसकी शॉप वगैरह यहाँ पर सब कुछ मिल जाता खाने खोने के लिए भी। तो भाई जो यहाँ से कुल्लू के लिए जो बस जाती है ऊना से, तो वो बस है यहाँ पे अनूज जाती है और अंजलि। मैं वो दोनों बसें दिखाता हूँ आप लोगों को जो यहाँ से कुल्लू के लिए स्पेशल बसें जाती है, जो मैंने पहले ब्लॉग बनाया था, तो इस बार फिर से बनाया हूँ। तो ये रही अनूज जो अब जाएगी बस जो कुल्लू के लिए, दूसरी जो है वो इधर खड़ी है। ये है अनूज जो 9:10 पे चलेगी ये वाली बस। कुछ खाने को ले लूँ यहाँ से, पानी की बोतल देना। तो ये रही बस, मैंने सीट ले ली हुई दूसरे नंबर वाली, ये वाली। तो अभी ऊना से जो बस है खाली है पूरी। तो भाई लोग जो ये बस है 9:15 पर ऊना से बस स्टैंड से निकल जाती है। तो यहाँ से हम निकली है, तो अब धीरे धीरे चलेगी, तो पीछे तो सवारी नहीं है इतनी, तो आगे जाके ये बस शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, आगे जैसे जैसे रुकती जाएगी। तो भाई अपन बस यहाँ से निकल गई है कुल्लू के लिए, चल रही है यहाँ से ऊना बस स्टैंड से, जो कुल्लू के लिए बस चली है अभी यहाँ से। टिकट भी कट गई यहाँ से मेरी। तो भाई बस जो है अभी बंगाणा पहुँची है, तो यहाँ पर 10-15 मिनट के लिए रुकेगी, 5 या 10 मिनट के लिए तो यहाँ रुकेगी, उसके बाद फिर चल पड़ेगी आगे। यहाँ से जितनी भी बसें जाएंगी वो यहाँ इसी रोड से होते हुए जाएंगे, बिलासपुर के लिए, मंडी के लिए, कुल्लू के लिए, सरगा घाट, हमीरपुर के लिए, सारी की सारी इसी रोड से होती हुई बसें जाती है सारी। अभी बस जो है वो आके बोटा रुकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10-20 मिनट रुकती है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। तो ये रहा बोटा का बस स्टैंड यहाँ पे। तो भाई अभी रुकी है जाहू है, हाँ तो जाहू रुकी है अभी बस। तो यार खाना वाना खाएंगे अभी सारे सारे, तो आ रही है डेली बस रुकी है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, अभी लंच टाइम, लंच करके फिर चलेगी आगे। तो आज सफ़र जो है यहाँ तक हो गया हुआ, तो इसके आगे चलेगी फिर। तो ये रहा जाहू बस स्टैंड। कुछ खाने के लिए लेना तो यहाँ पे पीछे शॉप है फास्ट फूड की, पल्ली साइड भी है, तो यहाँ पे नज़दीक ही है, तो यहाँ पे आ सकते हैं आराम से। तो भाई मैंने अभी एक लस्सी और 2 बर्गर लिए खाने के लिए। तो अभी मैंने खाने के लिए यहाँ पे बर्गर लिया, तो साथ में लस्सी ली थी मैंने खाने के लिए, तो काफ़ी टेस्टी है बर्गर भी।
टनल के अंदर इतना जाम लगा हुआ है कि क्या ही बोलूँ। पूरी टनल जो है मंडी से ऊपर कुल्लू मनाली का जो टनल नई खुली हुई है उसमें जाम लग गया हुआ, पता नहीं आगे स्लाइडिंग हुई हुई है तो वहाँ के लिए जा रहे देखने स्लाइडिंग कहाँ पे हुई है, तो दिखाता हूँ स्लाइडिंग का। टनल के अंदर क्रिकेट खेली जा रही है तो भाई पीछे से अब टनल पुल के बीच में से कभी इमरजेंसी होती है तो बीच में से जो टनल खोल लेते हैं तो उन्होंने बीच में से टनल खोल दिया तो हम लोग चले वहाँ से बीच से होते हुए लड़ा है। तो ये हो रही है स्लाइडिंग और पत्थरों की बारिश। भाई वो पहाड़ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, ये हुई शुरुआत। तो फंसी हुई थी पूरी टनल में, तो टनल के बीच का एक रास्ता जो है उन्होंने खोला जिससे हम लोग वापस जा रहे हैं, तो अब उस रास्ते जाएंगे हम लोग बीचों बीच से होते हुए जो सेफली एक रोड को बनाया होता है इन्होंने बीच से। बाहर रोड पे